हेलो दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ सका था, तो उसको भी इसी वीडियो में ऐड कर दिया गया है। ओके, इसमें आपको कुल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जो 2 दिन का भी नहीं आया उसे भी यहाँ पे ऐड किया गया। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन। ओके, संजय कुमार वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ओके, तो संजय कुमार वर्मा जी को किस देश का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? तो यह है कनाडा। ओके, कनाडा का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया संजय कुमार वर्मा जी को। ओके, कनाडा। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज हैज़ कंडक्टेड साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव रिसाइलेंस वर्किंग ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत और किस देश ने मिलकर 26 देशों का नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज होस्ट किया है? तो यह है यूके। भारत और यूके ने मिलकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और यूके मिलकर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विद 26 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल काउंटर इनिशिएटिव वर्किंग ग्रुप होस्ट किया। ओके, एज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव बाई विच टाइम पीरियड फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक विल ओपन अबाउट 300 ब्रांचेज इन द अनबैंक एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक 300 नई ब्रांचेज खोलेंगे अनबैंक्ड एरिया में इन द कंट्री। तो ये कब तक खोलना है इन्हें? ओके, तो ये है दिसंबर 2022 तक। ओके, दिसंबर 2022। तो दोस्तों, इससे ये ज़रूर हो सकता है कि जो ब्रांचेस खुलेंगे उसमें प्योर क्लर्क की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो कौन से बैंक खोलेंगे ब्रांचेस किस किस स्टेट में, तो वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर इस बार नहीं होगी तो लास्ट अपकमिंग ईयर में इसको देखने को मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इम्पोज मोनिट्री पेनल्टी ऑफ $402 million ऑन इंस्टाग्राम फॉर ब्रीचिंग रेगुलेशंस ऑन द हैंडलिंग फॉर चिल्ड्रंस डाटा ऑफ ए चिल्ड्रंस डाटा। ओके, तो चिल्ड्रंस डाटा को इन्होंने मतलब इनसे ओपन हो गया, मतलब उसको नाम उसको तोड़ा, तो $402 million का फाइन इन पर लगाया गया। तो ये है आयरलैंड। ओके, आयरलैंड। ओके, सुरेश रैना रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट ऑल फ्रॉम ऑफ क्रिकेट, सो ये किस स्टेट से हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश से। ओके, उत्तर प्रदेश। अभी इन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे, जैसे बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की है। ओके, BBL ओके टाइप से जो इंटरनेशनल लीग होती है उसमें खेलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म हैज़ एक्वायर्ड ट्यूटलर फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट? सो ये है इप्पो पे हैज़ एक्वायर्ड ट्यूटलर फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट। ओके, सामर्स एंड ई गवर्नेंस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई विच स्टेट टू प्रोवाइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स? सो दिस इज लॉन्च बाई उत्तराखंड गवर्नमेंट। ओके, उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च सामर्स एंड ई गवर्नेंस पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स। ओके, अगला क्वेश्चन। द थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इन इज ऑब्जर्व विद थीम द एयर वी शेयर इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? तो हर साल किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 7 सितंबर। 7 सितंबर को, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम था द एयर वी शेयर। ओके, गवर्नमेंट अपॉइंट्स जस्टिस एम दुरेस्वामी एज चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द हाई कोर्ट? सो ये हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, इन्हें अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हु हैज़ एक्वायर्स BCCI टाइटल एंड स्पॉन्सर राइट्स फॉर ऑल होम मैचेस? सो ये मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड टाइटल स्पॉन्सर होगा जो इनसाइड इंडिया मैचेस खेले जाएंगे, चाहे वो कोई भी मैच हो। ओके, जैसे बायजूस अभी लिखा था ना, तो बायजूस आउटसाइड ऑफ द कंट्री है और मास्टर कार्ड इनसाइड ऑफ द कंट्री। ओके,
In September 2022, along with DRDO, which military force has conducted 6 flight tests for quick reaction surface to air missile system ITR Chandipur from off Odisha coast. So, ye Indian Army. Indian Army conducted 6 flight tests of QR surface to air system missile. Okay. अगला क्वेश्चन. इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड ग्रो टू $50 बिलियन बाय फ्यूचर. तो 2021 सन तक भारत का हेल्थ सेक्टर $50 बिलियन का होगा. तो ये है 2025. ओके, 2025 तक भारत का हेल्थ केयर सेक्टर $50 बिलियन का होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च SMS बैंकिंग फॉर कस्टमर्स बाई सेंडिंग SMS फॉर रजिस्ट्रेशन विद लास्ट 4 डिजिट ऑफ कस्टमर ID एंड लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर. ओके, सो ये है HDFC बैंक. एज पर द रिसेंट डाटा द UPI हैज़ क्रॉस्ड 657 crore ट्रांजेक्शन इन अगस्त 22. सो दिस इज डेवलप्ड बाई, सो UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये है यहाँ पे आपके ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, NPCI. ओके, NPCI स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ए सेविंग अकाउंट नेम्ड रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक. सो दिस इज लॉन्च बाई EASF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. ओके, EASF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड एज पार्टिसिपेट इन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू हेल्प स्मॉल मर्चेंट कैरी आउट ट्रांजेक्शन ओवर ONDC's इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. सो दिस इज साइंड बाई IDFC फर्स्ट बैंक. RBI डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैज अनाउंस दैट गवर्नमेंट विल लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाई विच. सो दिस इज लॉन्च 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has selected which bank for PCS Biometric India for testing their on top retail payments applications under the regulatory sandbox scheme. So this is HDFC Bank. Okay, HDFC Bank. Reliance General Insurance has jointly launched Reliance Health Gain Policy with which company? So this is launch with Policy Bazaar. Okay. अगला क्वेश्चन, गूगल क्लाउड पार्टनर विद विच कंपनी टू डिजिटाइज इंश्योरेंस बाइंग इन इंडिया. सो गूगल क्लाउड पार्टनर विद HDFC ERGO. ओके, HDFC ERGO एंड गूगल क्लाउड पार्टनर फॉर डिजिटाइज इंश्योरेंस बाइंग इन इंडिया. ओके, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हु वॉन द प्रेस्टिजियस 22 जूरिश डायमंड लीग वॉज अवॉर्डेड ए वाइल्ड कार्ड फॉर द 23 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप That will organize in which country? So this is organized in Hungary. Okay, Hungary. Which of the following state government will soon launch a unique form ID to the farmers that is similar to Aadhaar number? So this is launched by Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh government. Which of the following bank has unveiled an initiative for rural banking services named Bank on Wheel Service in Gujarat? So this is launched by HDFC Bank. Okay. HDFC Bank. Who has virtually launched 2 initiative, Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan and Ni Kasya Mitra Initiative? So this is launched by our President Shrimati Draupadi Murmu ji. Okay, Draupadi Murmu ji. What is the rank of India in Human Development Index? So this is 132. Is saal Bharat ki 132vi rank hai in Human Development Index. Lord's Mark gets direct insurance broking license from IDA. So, where is the headquarter of IDA? So, IDA headquarter आपको मिलेगा हैदराबाद. IDA stand for Insurance Regulatory and Development Authority of India. Okay. WARE, so called WARE, solar panel manufacturer has signed an agreement with which bank for providing unsecured financing for solar projects through Surya Shakti Solar Finance Scheme. So this is signed, WARE signed with State Bank of India for unsecured financing for solar project Surya Shakti Finance Scheme. Okay. Agla question,
पे नियर बाई हैज पार्टनर विद विच बैंक टू एड द प्राइवेट लैंडर इन अचीविंग द टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. सो दिस इज पार्ट बाई एक्सिस बैंक. ओके, एक्सिस बैंक एंड पे नियर बाई पार्टनर फॉर प्राइवेट लैंडर इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. विच कंट्री पासिस लेजिस्लेशन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाई 43% टिल बाई 2030. ओके, 2030 तक 43% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए किस कंट्री ने लेजिस्लेशन पास किया इन पार्लियामेंट. सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. अगला क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवरीवेयर रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज रिलीज बाय यूएनडीपी. यूएनडीपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो दो दिन वीडियो नहीं आ पाया था, उसको भी इसी में ऐड कर दिया है. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जो मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं. ओके, और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी करेंट अफेयर्स इसकी मदद मिल सके. ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव एन ऑसम डे. थैंक यू. और बैक साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन. ओके.